किसान भाइयों आज की जो वीडियो है ये वीडियो में आपको धान में होने वाले खरपतवारों के बारे में जानकारी दी जाएगी किसान भाइयों जैसे कि पता है जब हम धान की रोपाई करते हैं उस समय अगर हम खरपतवार की किसी भी दवा का इस्तेमाल करते हैं कीटनाशक दवा हो या खरपतवार उगने वाली दवा हो अगर उसका हम उस समय प्रयोग करते हैं तो खरपतवार को रोकथाम में बहुत ही वो सफलतापूर्वक अपना काम दिखाती है किसान भाइयों होता क्या है कि जब भी हम धान की रोपाई कर रहे होते हैं उस समय अगर हम खरपतवार की दवा के तौर पे हम पेटला क्लोर का अगर प्रयोग कर देते हैं रोपाई के समय तुरंत तो अगर रोपाई हो रही है उसके पीछे पीछे हम पेटला क्लोर का प्रयोग कर देते हैं तो बेहद ही कम खरपतवार हमारे खेत में देखने को मिलते हैं अगर उसके बाद भी हमारे खेत में खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं तो उसको हमको किस प्रकार से रोकना क्या रोकथाम करनी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे किसान भाइयों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो बात करते हैं खरपतवारों की खरपतवारों को किसान भाइयों कैसे रोका जा सकता है तेजी से बढ़ने से आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं किसान भाइयों ये एक एक्सपेरिमेंट करना था आप ये खेत देख रहे हैं इसमें आपको खरपतवार बेहद ही कम नजर आ रहा होगा किसान भाइयों एक ही दिन की दोनों की रोपाई है इस खेत में आपको खरपतवार ज्यादा दिखाई दे रहा होगा इस खेत में रुपाई के बाद प्रिटला क्लोर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया था कोई भी खरपतवार की दवा नहीं डाली गई थी और साथ में ये जो खेत देख रहे हैं इसमें खरपतवार यानी प्रिटला क्लोर का प्रयोग किया गया था आप देख सकते हैं इसमें खरपतवार ना मात्र हैं और इसमें खरपतवार बहुत ही ज्यादा है ये असर होता है प्रिटला क्लोर का यानी खरपतवार वाली दवा का अगर इस समय आपके खेत में खरपतवार आपको दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों आप यहाँ पे खरपतवार के लिए बिस्पेरी पैक सोडियम टेन परसेंट एससी का प्रयोग कर सकते हैं जो कि अगर नॉमनी गोल्ड कहा जाए या अन्य किसी नाम से आती है ज्यादातर हमारे किसान भाई नॉमनी गोल्ड नाम से जानते हैं यहाँ पे किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फिर भी हम बता देते हैं कि किसान भाई नॉमनी गोल्ड नाम से ज्यादा जानते हैं नॉमनी गोल्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है बिस्पेरी पैक सोडियम इसका प्रयोग करने का जो सही तरीका होता है किसान भाई वो होता है सौ एम प्रति एकड़ की आपको इसकी डोज लेनी है सौ से डेढ़ सौ लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी स्प्रे कर दें नॉमनी गोल्ड या अन्य किसी कंपनी के आप लेते हैं उसके अंदर भी एक ही फार्मूला होता है बिस्पेरीपे सोडियम टेन परसेंट एसी वो किसी भी कंपनी की हो सकती है तो इसका प्रयोग करने का यही एक तरीका है सौ एम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है सौ से डेढ़ लीटर पानी में मिलाकर इसको आपको स्प्रे कर देनी है बेहद ही अच्छा ये खरपतवार पे कंट्रोल करेगी खरपतवार को रोकती है अगर आपने रुपाई के समय खरपतवार की दवा का इस्तेमाल किया है तो उस उसपे बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करती है जो उगने वाले खरपतवार होते हैं उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर देती है और नहीं किया तब भी बहुत अच्छा अपना काम करती है तो इसका अभी आप प्रयोग कर सकते हैं पच्चीस दिन के तकरीबन आपकी अगर धान की फसल हो गई तो खरपतवार अब निकलना तेजी से शुरू हो गया है अभी सही समय इसका प्रयोग करने का खरपतवारों को रोका जा सकता है तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए धन्यवाद